कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बैस बॉल नहीं जैस बॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर और ये एक नया अंदाज़ है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया और महज चार टेस्ट मैच खेले हैं सत्रह टी ट्वेंटी मैच खेले और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है मगर सबसे बड़ा सवाल कि जयसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है मुझे याद है कि जब अशुमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर वो बहुत अच्छा खेले दो में पाँच उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे वनडे टीम जो एस ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है मगर अभी बात जयसवाल की हो रही है मोहम्मद यूसफ की कुछ रोज़ पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनसे पूछा गया कि यार पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारा तो मोहम्मद यूसफ ने जयसवाल का जिक्र किया उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जयसवाल को कहाँ से वो लेके आए उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम टी ट्वेंटी से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं अब जयसवाल का रैकर्ड देखें वो इंडिया अंडर नाइनटीन खेले वो इंडिया ए टीम खेले वो इंडिया अंडर ट्वेंटी खेले वो इंडिया बी टीम के साथ खेले वो और दो तीन ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है जाहिर है अगर आपको शुभन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जयसवाल बनकर हटाना पड़ेगा अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जयसवाल बनकर आना पड़ेगा और यही बात है कि मोहम्मद यूसुफ ने ऐसा बोला उनके क्या अल्फाज है मैं आपको वो एक छोटा सा क्लिप दिखाता हैं उसके बाद बात आगे करते हैं इंडिया जैसे किया इंडिया ने मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो उसने यही बात की है कि हम जो आई से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पर इस्तेमाल करते हैं सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके जैसवाल टेस्ट खेल रहा है मुश्किल कंडीशन है लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा ये टी ट्वेंटी से नहीं निकला ये उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला आई पी एल से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते आई पी एल से हम पैसे इकट्ठे करते हैं टी ट्वेंटी से मेडियोकर प्लेयर निकलते हैं फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे जावेद मिया तत सईद अनवर इंजमालक इनने कौन सी टी ट्वेंटी खेली वसीम वकार शुेब सकलैन मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लेवेंटी क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए उसे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे हो बनेगा तो ये हम सब की भूल है हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई दोस्तों अगर करंट नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जयसवाल हो रहे हैं अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपियरेंस चेक कर लें दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं मुशाहबत मिलेगी नहीं आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है अगरचे साइ पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कह जा रहे हैं बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया मगर वो खेले उन्होंने टी में अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज़ किया अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले मगर पूरी सीरीज़ नहीं खेल पाए और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए अगरचे उनकी कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जाम्पल दिखाना हो तो जैसवाल हैं आप आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जयसवाल बनता है ना कि वो सैमो यूब बनता है अगर अगरचे साइमोयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूँ मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं मगर अभी तक की अगर एग्जाम्पल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुँचते हैं मगर जब आप पहुँचते हैं ये वही टीम है जो जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया कर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है और इंडिया के अंदर कोई इस कॉम्पिटिशन से निकल के जब टीम तक पहुँचता है ऑफकोर्स ऑफकोर्स वो फिर एक नया एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है अभी कोई नहीं कह रहा कि ये ये कोहली टाइप बनेगा सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जयसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई उनका एक अपना स्टाइल है वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं किसी ने शुभमन गिल को नहीं बोला कि ये कोहली बनेंगे वो शुभमन गिल हैं कोहली का अगर अगरचे कंपैरिजन करते रहे कि सचिन की तरह रिकॉर्ड बना सकते हैं और वो बड़े बल्लेबाज हैं या नहीं है मगर कोहली ने अपना एक स्टाइल दिया जो क्रिकेटर आ रहा है उस स्ट्रक्चर से वो अपने मुनफर्द अंदाज के साथ मुनफरद पहचान के साथ आ रहा है और बता रहा है कि मैं कितनी मेहनत के साथ ऊपर आया हूँ यही वजह है कि इस टफ़ कॉम्पिटिशन से और इनके बेहतरीन क्रिकेट स्ट्रक्चर के बाद अब उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें वो टीम जो हमेशा बल्लेबाजों की टीम माना जाती थी आज उनके बॉलर्स दुनिया भर में किसी से कम तो क्या बल्कि दुनिया भर में आप बॉलिंग अटैक उठा के देख लें इस वक्त शायद इंडिया का सबसे तगड़ा है वो भले पेसर्स हों भले स्पिनर्स अगर कंप्लीट पैकेज देख रहे हैं ऑलराउंडर पेसर स्पिनर्स तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वक्त राज कर रही है बॉलिंग अटैक से भी और अगर आप बैटिंग में देखें वो तो हमेशा से नाम बनाए रखी तो दोस्तों जयसवाल पर आपकी क्या राय है कमेंट की सूत में जरूरत आएगा मृत्यु से अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़